दोस्तों स्वागत है आपका मूवीज इन शॉर्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक गरीब लड़का पावलो की, जो पढ़ने के लिए शहर आता है। उसे बोर्डिंग स्कूल में दाखिला मिल गया तो वह बहुत खुश था। पावलो प्रिंसिपल से मिलने उसके केबिन में गया। प्रिंसिपल के केबिन में बैठा एक आदमी एक एजेंट होता है। वही प्रिंसिपल उसे स्कूल के नियम और कानून के बारे में बताती हैं और एक स्टूडेंट को बुलाकर पावलो की क्लास और कमरा दिखाने को कहती है। वो स्टूडेंट पहले क्लास ले जाता है। वहाँ सभी सीनियर स्टूडेंट उसका मजाक बनाते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट पावलो को जामबूझ कर लड़कियों के कमरे में धकेल देता है। कमरे में कुछ लड़की कपड़े बदल रही होती है। पावलो को अपने कमरे में देख वो लड़कियां गुस्से में चिल्लाने लगती हैं और पावलो को धक्का मार के कमरे से निकाल देती हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट पावलो को एक कमरे में ले जाता है। फिर कुछ सीनियर स्टूडेंट आते हैं और पावलो को कमरे से बाहर निकाल देते। अब पावलो नाराज होकर उसी कमरे के बाहर बैठ जाता है। कुछ समय बाद में एक स्टूडेंट बाहर आता है और उन्हीं लड़कियों के कमरे में जाता जिन लड़कियों ने पावलो को धक्के मार के निकाला था। वो लड़कियां उसी स्टूडेंट के साथ बाहर आती है और उसके पीछे पीछे जाती है। पावलो ये सब देख रहा होता है और चुपके चुपके उनके पीछे जाता है। वो लड़कियां एक वैन में बैठकर कहीं निकल जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं लड़कियां वैन में अपने ड्रेस चेंज कर रही होती है। वो स्टूडेंट उन्हें एक ट्रक पार्किंग में ले जाता है। दरअसल वो लड़कियां जिस्म फरोशी का काम करने आती हैं। ये इनका रोज का काम होता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। उस दिन एक हादसा हो जाता है। एक ट्रक रिवर्स आ रहा होता है तो वो स्टूडेंट की उस ट्रक के नीचे आने से मौत हो जाती है। अगले दिन सीनियर स्टूडेंट पावलो को फिर परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन इस बार पावलो को बर्दाश्त नहीं होता और वह उन सीनियर स्टूडेंट की अकेले ही पिटाई कर देता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट पावलो से डरने लग जाते हैं और पावलो को अपना दोस्त बनाते हैं। उसे अपनी गैंग में शामिल भी कर लेते। पावलो की ताकत देख अब उस स्टूडेंट का काम पावलो को दिया जाता। पावलो भी तैयार हो जाता है क्योंकि इस काम में एक टीचर भी शामिल होता है जो वैन चलता है। अब उन लड़कियों का काम पावलो अच्छी तरह से शुरू कर देता है। इसमें इनकम भी अच्छी होती है। लड़कियों में से एक लड़की पावलो को बहुत पसंद आती है, जिससे वह धीरे धीरे प्यार करने लग जाता है। एक दिन पावलो रात का काम होने के बाद उस लड़की को कहता है, मुझे भी सेक्स करना है, मैं पैसे दूंगा, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। काफी देर समझाने पर वो मान जाती है। दोनों एक गैराज में घुस जाते और सेक्स शुरू करते हैं। पावला का यह पहली बार होता है। सेक्स के बाद दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लड़की को भी अब पावलो पसंद आने लगता है। अगली सुबह वो एजेंट और वह टीचर साथ में बैठा होता है। कुछ देर बाद वो लड़की भी वहां आ जाती है। एजेंट दोनों लड़कियों को गिफ्ट्स देता है और उन्हें विदेश ले जाने की बात करता है। उसी रात पावलो दोनों लड़कियों को ट्रक पार्किंग में ले जाता है, लेकिन उस लड़की को ट्रक ड्राइवर के पास जाने से मना करता है। इसी बात पर दोनों की बहुत बहस होती है, आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर वह टीचर बीच में आकर दोनों को वैन में बैठने कहता है और वहां से निकल जाते हैं। पावलो की इस हरकत पर सभी नाराज हो जाते हैं।
पाओलो के इस बर्ताव के वजह से टीचर अपने एक स्टूडेंट को पाओलो को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। पाओलो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, तभी वह लड़की उसी रास्ते में मिलती है। पाओलो उससे पहले समझौता है लेकिन वो नहीं मानती। पाओलो जिस्म फरोशी करने से मना करता, बोलता है वह उसे जितने पैसे चाहिए लाकर देगा, लेकिन वह नहीं मानती। अगले दिन उस लड़की को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यहाँ पाओलो पैसा कमाने के लिए ट्रेन में सामान बेचना शुरू कर देता है। वो उस लड़की को वहाँ से निकालना चाहता है, उसके लिए वह चोरी भी करता है। अगले दिन पाओलो उस लड़की से फिर मिलता है। वह लड़की अपने प्रेग्नेंट होने की बात अपने फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड उससे अबॉर्शन करने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें विदेश जाना होता है और पैसे कमाने के लिए। इस बात पर दोनों की बहुत बहस होती है। आखिर में वह मान जाती है और एक प्राइवेट नर्स के पास जाती है जो उस लड़की से पैसे लेकर उसका अबॉर्शन कर देती है। पासपोर्ट बनवाने जाती है। वही क्लास में टीचर पाओलो को देखकर गुस्सा करता है और उस लड़की को विदेश ले जाने की बात करता है। इस बात से पाओलो का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो उस टीचर को जान से मारने की सोच से हॉस्टल जाता है। वो उस टीचर पे पीछे से हमला कर देता और टीचर के बेहोश होते ही कमरे की तलाशी लेने लग जाता है। वो कमरे में लड़की का पासपोर्ट ढूंढ रहा होता है लेकिन उससे नहीं मिलता। कुछ पैसे मिल जाते, अब वो पैसे लेकर लड़की के कमरे में जाता है। लड़की सोई हुई होती है, वो उसे उठाकर कहता है मुझे अभी तुमसे सेक्स करना है। तुम इसलिए विदेश जा रही हो ना ताकि सेक्स से पैसे कमा सको, और वह उसे जबरदस्ती सेक्स करता है। अगले दिन एक सीनियर स्टूडेंट उन लड़कियों का पासपोर्ट लेकर आता है। ये बात जैसे ही पाओलो को पता चलती है वो पागलों की तरह उस लड़की से पासपोर्ट छीन लेता है। कुछ गुंडे स्टूडेंट पाओलो को पकड़कर पिटने लगते हैं लेकिन पाओलो पासपोर्ट को मुंह से खींचकर फाड़ देता है। गुंडे स्टूडेंट पाओलो को बुरी तरह पिटने लगते हैं। एक स्टूडेंट पाओलो के सर में बोतल मारकर बेहोश कर देता है। पाओलो को जब होश आता है वो उसी रात हॉस्टल जाता है जहां वो सारे सीनियर स्टूडेंट सोए हुए होते हैं। पाओलो सभी स्टूडेंट्स के कमरे में जाकर सोए हुए सभी स्टूडेंट्स को नींद में ही जान से मार देता है और हॉस्टल से जाने लगता है। मूवी यही समाप्त होती है। अब इस मूवी की खास बात, ये मूवी पूरी साइन लैंग्वेज में बनी हुई है। धन्यवाद। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई।